नमस्ते, आज हम जानेंगे लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा बेसिकली आया है ग्रीक शब्द लाइपोस से। लाइपोस का मतलब है फैट, यानी कि चर्बी। ये बेसिकली चर्बी की जो कोशिकाओं है उसका एक गांठ है जो चमड़े के नीचे यूजुअली रहता है। ये एक ट्यूमर है जो कि कैंसर नहीं है। ये कहाँ होती है? ये शरीर में कहीं भी उग सकती हैं, गर्दन में, चेहरे पे, पीठ पे, हाथों पे, पाँव पे, पेट पे, कहीं भी, इवन कि शरीर के अंदर भी उग सकती हैं। हम आज बात करेंगे जो चमड़ी के नीचे जो गांठें रहती हैं उसके बारे में। इसकी वजह मूलतः पता नहीं है, पर कुछ लोग मानते हैं कि बार बार एक जगह पर चोट लगने से या कुछ जेनेटिक थ्योरीज हैं जिसकी वजह से लाइपोमास देखा जाता है। एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं डेक्रम्स डिजीज, जिसमें शरीर में मल्टीपल लाइपोमास होते हैं। इसकी लक्षण क्या है? यूजुअली ये कोई लक्षण नहीं रहते, यही इनका मेन लक्षण है कि ये गांठ सा शरीर में रहता है जिसमें कोई ना दर्द है, ना उसमें कोई ब्लीडिंग है, ना कोई पानी निकल रहा हो। ऐसा एक गांठ जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ है शांत सा, जो कि बहुत धीरे धीरे उगता है, यही इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लाइपोमा छोटे साइज के भी हो सकते हैं, बड़े साइज के भी हो सकते हैं। ये यूजुअली मेल्स में ज़्यादा, यानी कि मर्दों में ज़्यादा पाए जाते हैं। 100 लोगों में 1 से 2 लोगों को लाइपोमा की बीमारी यूजुअली रहती है। इसमें 1% चांस रहता है कि इसका कैंसर में परिवर्तन होने का, पर यूजुअली ये नॉन कैंसरस, यानी कि ये कैंसर नहीं होते। ये ट्यूमर है पर कैंसर नहीं है, इसको बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। इसका इलाज मुख्यतः सर्जरी है। इसको चीरा लगा के इसको निकाला जाता है और फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। कुछ और इलाज रिसेंट एडवांसेस में ही है, जैसे कि इंजेक्शन थेरेपी, जिसमें लाइपोमा की इंजेक्शन लगाया जाता है जो उसको डिजॉल्व कर देता है, या तो आजकल बड़े लाइपोमास में वेजर लाइपोसक्शन का भी सहायता ली जाती है बड़े लाइपोमास के, जिससे कि स्कार मच अच्छा रिजल्ट आए। होपफुली आपको ठीक लगा। थैंक यू।